छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार द्वारा अघोषित आपातकाल लगाए जाने का आरोप लगाते हुए लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल भरो आंदोलन की दी चेतावनी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने 15 दिनों का दिया है समय। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश व्यापी आह्वान पर रविवार को सभी जिला कार्यालयों में प्रेस के माध्यम से प्रदेश सरकार पर तुगलकी फरमान को प्रदेश की जनता पर थोपने से नाराज भाजपा अब उग्र आंदोलन कर जेल जाने को तैयार है। इसी कड़ी में मीडिया से मुखातिब हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने किए गए वादों से बचने के लिए जनता का सामना न करना पड़े इसको लेकर तुगलकी फरमान जारी कर रही है, जिसमें 19 बिंदुओं की शर्तों पर उल्लेखित कुछ बिंदुओं पर हमारे संवैधानिक मौलिक अधिकारों का हनन किए जाने का उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार के 3 साल होने के बाद भी अब तक अपना वादा पूरा नहीं किया, जिसके विरोध में विद्युत कर्मी मनरेगा कर्मियों सहित अन्य संगठन डांडी यात्रा तक करने को मजबूर हो चुके हैं। इसी कड़ी में भाजपा ने प्रदेश सरकार को 15 दिनों की मोहलत दी है कि अपना यह आदेश वापस ले लें, अन्यथा की स्थिति में 16वें दिन भाजपा उग्र आंदोलन कर जेल जाने को तैयार रहेगी। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, दुर्ग सांसद विजय बघेल, लाभचंद बापना, रमशीला साहू, चंद्रिका चंद्राकर सहित नटवरलाल ताम्रकर और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस संबंध में न्यूज टीम को प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और सांसद विजय बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस तरह से विपक्ष की आवाज उछलने का काम कोई धार्मिक, कोई सामाजिक, कोई निजी आंदोलन, इस सब को दबाने के लिए, क्योंकि सरकार जो वादा अपने जन घोषणा पत्र में की है 3.25 वर्षों में पूरा करने में सफल नहीं हुई है और वो जनता का फेस नहीं कर पा रही है। डरपोक सरकार है और उसकी परिणति ये हो रही है कि पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ में आंदोलन हो रहे हैं, लोग सड़क पर आ रहे हैं। विपक्ष के नाते हम लोग सरकार की खामियों को सड़क पर उतर कर उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये सरकार इन सब चीज़ों को कुचलना चाहती है, लोकतंत्र में जो राइट्स हम लोग को मिले हैं उसको दबाना चाहती है, इसीलिए काला कानून, काला आदेश निकाली है और इतना जटिल है कि 15 बिंदुओं में आवेदन लगाना है, 19 तरह के कंडीशन है और एफिडेविट भी देना है, उसके बाद भी सरकार की मर्जी होगी तो अनुमति मिलेगा। इसमें धरना प्रदर्शन के साथ साथ धार्मिक कार्यक्रम, भागवत है, राम कथा है, इतना तक कि जहाँ भीड़ आने के हैं कि उसमें छल कपड़ धनबल का प्रयोग किया गया और आखिरी में 29 बिंदु का घोषणा पत्र जारी करना पड़ा, जिसमें खरागढ़ को जिला बनाने की भी बात थी और ऐसा करके छल कपट से सरकार खरागढ़ का उपचुनाव जीती। तो मानते हैं कि हर चुनाव में धनबल ही प्रमुख होता है? धनबल प्रमुख नहीं होता है, लेकिन उसका भी एक रोल रहता है। अब समझ में नहीं आता है, छत्तीसगढ़ में बोरे वासी को आज बताने की आवश्यकता मुख्यमंत्री को पड़ रही है। आज यहाँ धान पैदा होता है, धान का कटोरा कहा जाता है और ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं, मैं भी गांव का हूँ, हम भी बोरे वासी खाते हैं, आज भी खाते हैं और यहाँ दोपहर का भोजन, रात का भोजन और इतना तक कि नाश्ता भी चावल का होता है। जानबूझ के गाँव में लोग ज़्यादा मात्रा में भोजन पकाते हैं, भात पकाते हैं शाम को। भाजपा लगातार विरोध कर रही है और आपके सांसद भी यहाँ पर खड़े हैं, विजय बघेल जी, कितना बड़ा आंदोलन इन्होंने किया था, इससे और बड़ा क्या आंदोलन हो सकता है जो? और आने वाले समय में फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। अहाता जो चल रहा है उसको कैसे देखते हैं आप? राजस्व की हानि भी हो रही है लेकिन अहाता चल रहे हैं और कुछ लोगों को, कुछ उनके जो प्रमुख लोग हैं, उनके जो चाहते लोग हैं उनको ही दिया गया, तो किस तरीके से देखते हैं आप अहाता जो चल रहा है? जो चुनावी घोषणा पत्र कांग्रेस ने बनाई थी अपने विधानसभा चुनाव के समय, उस समय अनेक लोगों ने उसमें घोषणा डाले थे और किसी को पूरा नहीं किया सरकार, इसलिए चुनावी वर्ष आ रहा है, 20 महीना बचा है चुनाव और धीरे धीरे आक्रोश बढ़ रहा है। इंतजार कर रहे थे अब पूरा होगा, अब पूरा होगा, अब पूरा होगा,
लेकिन जब देख रहे हैं कि वो जो मांगे हैं पूरा नहीं हो रहा है, सरकार से द्वारा गंभीरतापूर्ण कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तब हर वर्ग आक्रोशित है। आप बूढ़ा तालाब में जाइए, रोज कोई ना कोई पंडाल लगा रहता है। अभी जाइए आप, तीन तीन चार चार यूनियन के पंडाल लगे हुए हैं, चाहे वो मितानी के हो, चाहे रोजगार सहायक के हो, चाहे रसोइये हो, जो स्कूल में खाना बनाने हो, जो स्वीपर हो, जो भर्तियाँ हुई थी पहले, ये सब पंचायत सचिव हो, पटवारी हो, यहाँ तक कि पुलिस कर्मी भी हड़ताल में थे। और 28 संगठन मंत्रालय से लेकर नीचे स्तर के 28 संगठन आंदोलित थे। और इसी से बचने के लिए सरकार ये काला कानून लाई है कि इस कानून के तहत इनको दबा दिया जाए, इनको क्रश किया जाए, इनको कानूनी इसमें कार्रवाई की जाए, और ऐसा कानूनी कार्रवाई जिसके कारण ये कभी सर उठा के बात ना कर सके और हम चुनाव में जीतते रहें। इसका खेल तो जो हमारा हमारे मजदूर और किसान भाइयों के, हमारी छत्तीसगढ़ की नहीं, यूपी और बिहार के भी लोग इसको बड़े लेकर ये ब्लैकमेल कर रही है यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता। ये ब्लैकमेल ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। और आज मजाक बना दिए, टेबल में बैठ के और कटोरी में बासी खा रहे हैं, अधिकारी दिखा रहे हैं चम्मच से बासी खा रहे हैं, ये हमारी परंपरा है, मतलब उसको मजाक बना के रख दिया। ये तीजा त्यौहार मनाते हैं अपने घर में, पोला त्यौहार मनाते हैं, और महिलाओं के साथ नाचते हैं, और नाचते उस गीत के साथ है रायपुर वाले भाटो, ये गाना चल रहा था और उसमें नाच रहे थे मुख्यमंत्री अकेले, बाकी सब महिलाएं थी, एक मंत्री और थे TSC उदय, चुपचाप भाग गए वहाँ से, कामरेड ध्वज जी चुपचाप भाग गए। लेकिन ये इसकी बेशर्मी की हद, ये नाचते रहे और पूरा वीडियो वायरल हुआ। माननीय सांसद जी पर मरवा के भाई मेरे, वो नाच और इस नाच में अंतर है। वो नाच कौन सा? पोला त्यौहार में, सुनिए वर्मा जी, पोला त्यौहार में रायपुर वाला भाटो गीत के साथ नाचे, कितने कितना मन में कितने घृणित भावना आती है, ये है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।